आगामी 26 अप्रैल को गया के गांधी मैदान में लोक सेवक रामविलास स्मृति विचार संघ तथा दुसाध संघ द्वारा आयोजित महासभा को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। चिराग पासवान संबोधित करेंगे। उन्हें सुनने के लिए वजीरगंज से हजारों की संख्या में लोग इसमें महासभा में भाग लेंगे। इसकी अंतिम तैयारी को लेकर रविवार को मां सविता निवास में विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सह लोजपा युवा नेता चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के निर्देशन में एक बैठक आयोजित की। क्षेत्र से अधिकाधिक संख्या में समर्थकों को गया पहुंचाने का निर्णय लिया है। उक्त मौके पर पार्टी के सदस्यता व पद से संबोधित पहचान पत्र देकर सम्मानित किया गया और कई नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। चिंटू भैया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार बदलाव का मांग कर रहा है और इस समय चिराग पासवान के अलावे अन्य कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास बिहार सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए संकल्प सभा का आयोजन करने जा रहा है। इस संकल्प सभा एक एक करके प्रदेश के सभी कमिश्नरी में शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत गया के गांधी मैदान से होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जमुई सांसद चिराग पासवान खुद होंगे। कहा जा रहा है कि सभा में करीब 1,00,000 लोग शिरकत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को पार्टी के अलावा अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद लोक सेवा रामविलास पासवान स्मृति मंच की मूल भूमिका होगी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने कहा कि संकल्प सभा में हम संकल्प लेंगे कि चिराग लाओ बिहार बचाओ। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल में सुशासन चला गया है, बिहार की अराजक स्थिति है, अब कुछ नहीं रह गया है। सृजन घोटाले है, बालिका गृह कांड है, प्रतिदिन कमजोर वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, शिक्षा के बजट में 25% कटौती की गई है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं। ऐसे नकली आचरण वालों से बिहार के युवाओं को सचेत रहना चाहिए। यही नहीं, पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार दारू और बालू की खेती कर रही है और लोगों को झांसा में दे रही है। अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद और लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच बाबा भीमराव अम्बेडकर, राजा शैलेश, वीर चाहोहार मल, जो ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इसी माह में इन सभी महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसलिए जयंती के साथ साथ प्रदेश के हित के लिए संकल्प सभा होगी। चिराग पासवान जो हमें संकल्प देंगे उस पर काम करेंगे। तो ये बातें खुद चिराग पासवान के समर्थन करने वाले और उनके पार्टी के नेताओं ने कही है। तो आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।